मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं जल्दी से नहा धोकर आ गई हूँ। आज जाना है ललिता मासी के घर पे, उनके घर पे गुरुजी का सत्संग है। पिछले सुबह उठ के थोड़े काम निपटाए हैं और कहते हैं बिकॉज मैं मम्मी के घर भी रहने के लिए जा रही हूँ, तो जो थोड़े थोड़े काम थे, कल कपड़े धोए थे तो वो सूखे हुए थे, वो लपेटे, एंड एक दो जो छोटे छोटे काम थे वो निपटा के नहा कर अब आई हूँ। मैंने कहा जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, मन्नू का भी नहीं पता साथ जाएंगे या बाद में वापस आएंगे, देखते हुए पूछती हूँ उनसे। मैंने कहा तब तक इतने में मैं रेडी होती हूँ और मासी घर पर रात सत्संग है, पूरी फैमिली साथ में इकट्ठी हो रही होगी, तो साथ में तो सबके मज़ा ही आता है। तो गाइस जल्दी से मैं होती हूँ रेडी। सो आइए आज के व्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। चलो मन्नू, ठीक है, आ जाना भाई टाइम से। हाँ, आपके वो क्या कहते हैं कुर्ता और पैंट दोनों प्रेस करके रखी हुई है, ठीक है, जल्दी से आ जाना। मम्मी को अभी भी खांसी हो रही है काफी ना। चलो मम्मी, ठीक है, जल्दी मैं परसों आ जाऊंगी मम्मी। हाँ जी, परसों आ जाऊंगी, फिर मैं शाम में आ जाऊंगी। हाँ, शाम शाम में ना अपने आप ही आ जाऊंगी। मम्मी फिर आते हैं, बड़ा लेट हो जाता है फिर ना, 12-1 बज जाते फिर आते हैं। तो मैंने कहा फिर अपने आप ही आ जाऊंगी जल्दी, आज तो मिल ही लेंगे वैसे मम्मी सबसे। हाँ, ना मिले होते ना फिर मैं परसों ले बोल देती आ जाऊँगी मम्मी वापस से मिल लूँ। तो ठीक है, भाभी के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है, हाँ सूखा सूखा भिजवा दूंगी। ठीक है गाइस, बड़ी मुश्किलों से हम पहुंचे, बस मासी की गली में ही है, यहाँ पे पहुंच गए हैं। हुआ क्या, मन्नू अभी वो कह रहे थे थोड़ा अभी उन्हें शॉप पे खुलवाने की काम था तो वहाँ से आएंगे। सुनील भैया नीचे शॉप पे थे, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी एंड इसलिए मम्मी ने भी मना कर दिया, पर ही सो रहे थे तो अभी हम दोनों आए हैं। पापा जी भी अभी आ रहे हैं, पापा कह रहे मेरे को एक दो काम है, हाँ निपटा के आता हूँ। हमने कहा तब तक चलो हम अपना टाइम से पहुँच जाते हैं। आवाज़ तो आ रही है कीर्तन की, हाँ फिर चलते हैं बस। और मासी कैसे हो? ठीक है, सब बढ़िया। मामू कैसे हैं आप सब? ओ अपकमिंग यूट्यूबर, वाह वाह मामा। और पापा कैसे हो? सब चाय प्रसाद आज आप बना रहे हो? वाह वाह, आज तो चाय प्रसाद मतलब मासी तो सारे ही करते हैं। बस अभी चाय प्रसाद आया है, चाय प्रसाद के साथ में है ये मट्ठी है और कहते मटर और बिस्किट है साथ में। और काकू कैसे हैं? हाइट निकल गई अभी मेरे को 4.5 महीने हुए ना, 4.5 महीने बाद मिल रही हो तुझसे ना, हाइट निकल गई है अब तो, बिग बॉय बनने वाला है। हाँ अपने भाई जैसा, इसकी तो बॉडी शॉडी डोले शोले, इसको शुरू से शौक था बॉडी वॉडी को ना काफी टाइम से, सही बॉडी वॉडी बन गई भाई। तो लड़की आगे पीछे रहती होगी अभी नहीं, फिर फायदा क्या बॉडी बनाने का अपने लिए। आगे पापा जी मन्नू भी आने वाले, मन्नू कह रहे बस मैं आ रहा हूँ, अपने का आ जाओ बस जल्दी से, तो सारे सारे एक साथ ही है फुल हाउस। मामा से तो मिल लिए, मामा बिल्कुल वो यूट्यूबर, मामा बिल्कुल वो यूट्यूबर बनने लायक हो गए हैं। मामा ने पूरी पूरी लाइन अच्छे से बोल दी, पूरी पूरी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस शाहरुख कौन है? मम्मी बताना शाहरुख कौन? मन्नू, मन्नू हाँ हाँ, मामा पूरे एक्सपर्ट है। मामा ने ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर लो, चल जाएगा, हाँ आपको चल जाएगा चैनल। मम्मी भाभी और आपकी तो ट्विनिंग हो गई आज, मिलता जुलता का। हाँ बनारसी टाइप में और सुरोस्की वाली चुन्नी है। हाँ। पापा भी आते ही बोल रहे, कह रहे हैं सेम सेम हो गए दोनों के। हाँ और मैं बताए सूट तो अपनी भाभी ने पसंद कर लिया था, मैं भूल ही गई थी, भाभी मुझे दिखा भी रहे। हाँ आज दिखा रहे, भाभी ने बोला, मैंने कहा अच्छा ये वाला सूट था, मैंने भी पापा को दे रखा है। ना नमस्ते चाचू, बस बढ़िया, आप बताओ?
अभी आपको देखा ना, अभी आपको थोड़ी देर में सरप्राइज मिलने वाला है। सेम ऐसा कुर्ता, कलर चेंज है, बस मन्नू पहन रही आ रहे हैं। मैं वही देख रही, मैंने कहा और चाचू और मन्नू की ट्विनिंग हो गई। सेम ऐसे ही है काम ना, बच्चों का देखो, बच्चों के साथ ट्विनिंग करनी है। मैं इसकी हाइट निकल गई, बड़ा बड़ा हो गया ये, एकदम से इसकी हाइट निकली। मैंने तो 4.5 महीने बाद देखा है ना, स्मार्टी है, क्यूट इज अ स्मार्टी बॉय। आ गए? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा पापा आ गए। हाँ चलो आ जाओ, गली नहीं मिल रही थी ना, कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ। हाँ कोई नहीं, ये वाला आ जाओ, स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक। आज हम तीनों की टिकरी वापस आ जाएगी दोबारा। ब्लॉग में देखा था, मम्मी को बोल रहे थे आती नहीं दीदी, मैं देख रही थी चुगलियां तुम्हारी, मेरे पीछे से चुगलियां बोल रहे थे। हाँ बोल रहे थे दोनों, कह रहे आती नहीं है। मैं कहा तुम्हारे पड़ोस में है, ये फायदा है, कभी भी मिल सकती है तुम्हें पड़ोसी। पर आप नहीं आते, आऊंगी ना इसके बाद, जीजू को लेके आना। जीजू ठीक है? ठीक है, अब आते हैं जल्दी, इसके बाद भी तुम्हारे घर ही है। कौन सा हो गए? कल ही कल ही है। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू सेशन। आई संगत को ब्लेस करना, ऐसे अपने घर में आते रहना, सबको खुशियाँ बांटना। मेरी बहन की एनिवर्सरी है, इसको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका कृपा आपकी बनी रहे, ऐसे आप आते रहो अपने घर में और ऐसे सबको ब्लेस करते रहो, आई संगत को ब्लेस करते रहो और ऐसी कृपा बनाए रखो। दीदी एक बार आप जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी। बस आपसे यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ दे कि आप हमेशा हमारे घर में ऐसे ही आते रहे। बस शुक्राना गुरु जी, हमारे घर आने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सब अपनी आरती ले लो और प्रसाद ले लो। जीजू बस आरती हुई, आरती के बाद अब लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ है। तो इसमें है आज दाल है, पनीर की सब्जी है, रायता है, सैलड है, चपाती है। बस अभी हमने सुबह से, आपने तो किया था नाश्ता ना? मैं तो करके। हाँ मैंने नहीं किया था नाश्ता ना, बस हम लोग अभी खा ही रहे हैं। हाँ बस खा ही रही हूँ मैं, भाभी भी वहीं बैठे हुए हैं और साथ में हमें ये वाले प्रसाद भी मिले, वाले दिनों में ये भी प्रसाद मिला है, पैकेट्स मिले हैं सबको। इसमें मतलब लाहौरी है, एक केक है, मतलब वेजिटेरियन केक है, बिस्किट है और ये साथ में है बनाना। ठीक है खाते, फिर मासी बाहर ना वेट कर रहे हैं केक कटिंग के लिए। तो अभी कंचन मासी ने बोला है अभी थोड़ा मतलब सब खा रहे हैं, खा के फिर केक कटिंग करते हैं। मासी सबसे पहले तो अंकल मासी हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू। देख ले हमने अपनी शादी की सालगिरह में तुझे बुलाई बुलाई लिया आ रही था। तो इसमें पहले ये बुलाई क्यों लेके आई? घर आई है मासी, नहीं घर आई है, मुझे पता है बच्चे क्यों लेके आए। कोई नहीं फिर भी हमारा मर्ज बनता है, हमसे छोटे भी तो है, इन कन्नू है, चीना है, ये सब इनके लिए है। अच्छा ये इनके लिए है। अब तू बड़ी हो गई है, छोटा हो गया? मुझे तो छोटे है, इसका जो हक बनता है इनके लिए है। ठीक है पहले पियेंगे तो सभी हो गए, सभी हल्दीराम ये सारे वो हैं, गिफ्ट बैग शेक से सारे। और ये गर्मी का आनंद लेना, ठीक है और याद करेंगे अब शादी करके बड़ी हो गई। चीना कन्नू चीना पियेंगे, अभी कन्नू चीना ये भी लड़ते हैं, चलो कोई बात नहीं, लड़ते नहीं लड़ते कोई बात नहीं करते। थैंक यू थैंक यू।
चीना केक कहाँ से लाई है? ब्रदर्स ओ बहुत अच्छा केक है। हाँ बहुत प्यारा केक आया है। हैप्पी एनिवर्सरी। एक एक गुलाब का फूल सारे अपने ठीक है काट के सबको एक एक गुलाब। मैं आई हूँ गोरचीना के साथ पीना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लेडीज अपने सिर पे एक एक गुलाब का फूल। बहुत गहरा केक। जैसे हमारी शादी वो गहरा हो गया है। गहरा मुझे लगता है जा रहे होंगे नीचे। क्या बात है जोर से। सिर्फ 32 साल रोजेस मिल चुका है। केक में से सारे रोजेस निकल चुके हैं। सिर्फ कांटे कांटे बच गए। कांटे देखो मेरा ये लगा हुआ। दिस इज फॉर यू को लेडीज को लगा रोज ये है। हां जी आपके लिए है। ये तो आपके बालों में अच्छे लगेंगे। वो लेडीज सब ज्यादा मैंने कहा फूल लेना कितना अच्छा लगता है। मनु मैं कह रही हूँ आप घर जा रहे हो ना अभी तो ये क्या कहते हैं ये मासी ने दिया है। मासी ने एक तो ये ब्लैंकेट दिया है पूरा मतलब बेड सेट है पूरा और एक खाने पीने का सामान दे दिया मासी ने। ये तो प्रसाद है और एनवलप दिया था वो तो मैंने बैग में संभाल दिया। ये फिर आप अपने सामान लेने की मासी को तो मैंने मना किया था बट मासी कह रही कोई नहीं फर्स्ट टाइम आए हो तो तभी तो मैं कह रही थी आप फिर अपने साथ ही ले जाना ठीक है। ठीक है बाकी मम्मी के लिए भी प्रसाद रखवा दिया और क्या कहते हैं परी के लिए केक वगैरह भी करवा देती हूँ। ठीक है केक खा लो। बस आपको पता केक खाता नहीं प्रसाद खा लिया। प्रसाद खा लिया मैं कह जा रहे हो। हाँ और क्या अभी वो गोल्डी जा चुका एक बार वो देख लेते हैं। ऐसे 3 दिन भगवान करे सबको मिले। 3 दिन में से एक दिन तो चला गया आपका आज मतलब परसों में आ गए। परसों हाँ कल परसों 2 दिन बचे 2 दिन और 2 रातें बस यही है आपके पास जितना 3 दिन ही मिले गाइस। 3 से ज्यादा ना मिले 2-3 बस इतना ही ठीक है। 3 से ज्यादा बोर हो जाते हैं। ज्यादा वो सही नहीं है। थोड़ी आजादी मिल जाए ठीक है लड़का ठीक। अभी अभी कल ही फोन आ जाएगा मम्मी देखना मैं बोर हो रहा हूँ पूजा तेरे बिना। कौन सा आना कोई बताने का फायदा नहीं है कोई। मैं तो बोल दूंगा अभी रही मत अभी साथ ही चल मम्मी फायदा भी तो मम्मी अभी आ जाएगी। अब तो अब एक और बेडरूम भी हमारा रेडी हो गया है। चलो कोई नहीं वैसे आपके घर है वो तो सही है। 2-3 दिन बहुत टाइम बहुत खुश है ना। घर जाकर कोई डांट आज पूरा डांट चलेगा खुशी अलग से झलक रही है। तो 2-3 दिन की है फिर उसके बाद तो क्या खुशी भी है कोई खुशी 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 बाय बाय पतिदेव जी मिलते हैं फिर ठीक है मिलते हैं परसों मिलते हैं। ओके गाइस मिलते हैं परसों। हाँ परसों आ रही ठीक है चलो बाय भाभी। परी को कहना चाची गई गई चाची फोन करेगी वीडियो कॉल करेगी। मैंने कहा बाय कर दे चाची जा रही है भाग गई। मैंने कहा बात नहीं करती नहीं मुझसे बात नहीं करती वो। चलो ठीक है बाय बाय ठीक है। अभी बस मनु और भाभी गए हैं तो मैंने कहा चलो अब केक खाती हूँ। अभी सब सबके साथ लगी हुई थी बातों में तो मैंने कहा चलो फाइनली मेरा नंबर भी केक खाने का आया है। गाइस क्या कहते हैं मासी के घर से तो मैं आ गई थी। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी सुबह जल्दी उठे थे रात को भी लेट सोए थे एंड बस पापा ने ही आंखें उठाया मुझे बहुत ज़्यादा की नींद आ रही थी। पापा को भी सभी थके हुए आप लोग भी सुबह जल्दी चले गए थे ना। हाँ तो इसलिए ज़्यादा व्लॉग उसके बाद केक खाने के बाद शूट ही नहीं हो पाया। सब चले गए थे एक एक करके
फिर हम भी घर आ गए थे, घर आके मैंने नाइट शूट चेंज करा और कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। अभी उठी हूँ, बस पापा कह रहे कुछ खा लो कुछ खा लो, मैंने कहा चलो खाती हूँ। और अगेन अभी बहुत जोरों की नींद आ रही है, मम्मी मेरी मेरे घर आती है, इधर आती है सोने लग जाती है, मम्मी को कंप्लेन है, पर बहुत तेज नींद आ रही है, मैं क्या करूँ। मम्मी से भी अभी बात हुई है, बात ही नहीं हुई थी, तो कोई नहीं, अब कल परसों तो हूँ और मस्ती कल आराम से करते हैं। आप भी सो जाओ, ठीक है। सो गाइस बस इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे, हम मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।